माफियाती कहमत को लेकर प्रयागराज ले जा रही है यूपी पुलिस। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आगे बढ़ा काफिला। शिवपुरी में थोड़ी देर के लिए रुका था अतीक का काफिला। रास्ते में काफिले को अब तक 5 बार रोका गया। माफियाती कहमत की दिखी दबंगई, कहा मुझे किसी का डर नहीं। राजस्थान के डूंगरपुर में भी पेट्रोल भरवाने के लिए रोका था काफिला। अतीक को भी 3 मिनट के लिए वैन से नीचे उतारा गया था। साबरमती जेल से कल शाम 5:40 पर अतीक को लेकर रवाना हुई थी पुलिस। रवानगी से पहले अतीक का कराया गया मेडिकल टेस्ट। यूपी पुलिस के सभी पुलिसकर्मियों के जमा करवा लिए गए हैं मोबाइल फोन। एसटीएफ के सिर्फ 5 अधिकारियों के पास मोबाइल फोन मौजूद। अतीक के प्रयागराज पहुंचने से पहले जिला पुलिस में बड़ा फेरबदल। 17 पुलिसकर्मियों का किया गया ट्रांसफर। यूपी एसटीएफ के काफिले में 3 ड्राइवर भी मौजूद। हर 6 घंटे में बदल जाते हैं ड्राइवर। 28 मार्च को एमपीएमएलए कोर्ट में होगी अतीक अहमद की पेशी। उमेश पाल किडनैपिंग केस में कोर्ट सुनाएगा फैसला। अतीक के साथ भाई अशरफ की भी होगी कोर्ट में पेशी। बरेली जेल में बंद है अशरफ। बीएसपी विधायक राज्यपाल की हत्या का मुख्य आरोपी है अतीक अहमद। 2005 में हुई थी राज्यपाल की हत्या। राज्यपाल की हत्या का मुख्य गवाह था उमेश पाल। अतीक अहमद पर है उमेश पाल की हत्या करने की साजिश का। अतीक अहमद की कस्टडी को लेकर प्रयागराज पुलिस आज कोर्ट में देगी अर्जी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक की भूमिका को लेकर पुलिस करेगी पूछताछ। भगोड़े अमृतपाल की तलाश के बीच बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, अमृतपाल ने रची थी पंजाब को दहलाने की साजिश। पाकिस्तान से मंगवाए थे हथियार। अमृतपाल के 7 सहयोगियों पर लगा एनएसए हिरासत में लिए गए 353 लोगों में से 197 लोगों को किया गया रिहा। अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका के चलते उधम सिंह नगर में अलर्ट चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। पंजाब पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा। दीप सिद्धू की लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए अमृतपाल ने किया था वारिस पंजाब दे का गठन। आज सदन में हंगामे के आसार। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। सूत्रों के हवाले से खबर, आज दोनों सदनों में काले कपड़े पहनकर कांग्रेस सांसद जताएंगे विरोध। कर्नाटक में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने निकाला मशाल मार्च। पुलिस ने मशाल यात्रा पर की पानी की बौछार। सदन की कार्यवाही से पहले योगी होगी विपक्षी दलों की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे अध्यक्षता। उद्धव ठाकरे का सीएम शिंदे पर पलटवार। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को चुराने का लगाया आरोप। उद्धव ठाकरे ने किया राहुल गांधी का समर्थन, कहा लोकशाही के इस लड़ाई में हम राहुल के साथ। राहुल के सावरकर पर दिए गए बयान पर बोले उद्धव, कहा सावरकर का अपमान सहन नहीं करेंगे, सावरकर हमारे लिए भगवान। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कांग्रेस को नसीहत, कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ खड़े होने की जरूरत, तभी कर पाएंगे बीजेपी से मुकाबला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने दिया था विवादित भाषण। सलमान खान को धमकी देने के मामले में राजस्थान से आरोपी धाकड़ राम बिश्नोई की गिरफ्तारी। इसी शख्स ने सलमान को किया था ईमेल। आरोपी धाकड़ राम बिश्नोई ने ही दी थी सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी। पंजाब के मानसा में मामला दर्ज करवाया गया था। देश में कोरोना की बढ़ रही रफ्तार ने फिर बढ़ाई टेंशन। स्वास्थ्य मंत्रालय का अलर्ट, आज शाम 4 बजे बुलाई बैठक। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, पिछले 24 घंटे में 1590 नए केस मिले, पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा मामले हैं। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा। जयपुर में जुटेंगे 20,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज होगी सुनवाई। 13 एकड़ से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने दायर की है याचिका। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को दिल्ली बीजेपी में मिला अहम पद। लीगल सेल का बनाया गया को कन्वीनर। 30 मार्च को भोपाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित।
ग्रह दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनी के प्रमुख सुनील भारती ने की पीएम मोदी की तारीफ। वनवेद के 36 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण का दिया श्रेय। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी की हो रही है पूजा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में की गई आरती। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने की आत्महत्या। सारनाथ के होटल में पंखे से लटका मिला शव। सुसाइड से पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी आकांक्षा, फूट फूट कर रो रही थी एक्ट्रेस। नोएडा की एक सोसाइटी के फ्लैट में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग पर पाया गया कब। अलवर में जूते चप्पल के सोल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, धुएं का दिखा गुबार। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नर्मदापुरम में पोस्ट ऑफिस की दीवार से टकराई कार। हादसे में 4 लोग हुए घायल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना। मिर्जापुर में रोपवे कर्मचारी को पुलिसकर्मी ने पीटा, जमकर चलाए लात। भूसे पिटाई का वीडियो वायरल। महाराजगंज में एक दारोगा ने थाने के अंदर की युवक से मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सहारनपुर में दबंगों ने राशन डीलर से की मारपीट, धारदार हथियार से किया हमला। गोपालगंज में बिजली विभाग के सुपरवाइजर और लाइनमैन की युवकों ने की पिटाई, बिजली का कनेक्शन ठीक करने गए थे। रायगढ़ जिले के बीच पर मिली मृत वेल मछली, वन विभाग ने वेल को गड्ढे में दबाया। बागपत में भंडारे की खिचड़ी खाने से बच्चे समेत 20 लोग बीमार पड़े, 3 बच्चे की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। मुजफ्फरनगर में 3 तलाक का मामला सामने आया, दहेज ना देने पर बीवी को दिया तलाक, पुलिस ने आरोपी शौहर को भेजा जेल। बहराइच में पोस्टमार्टम हाउस में मृतक के परिजनों की तोड़फोड़, डॉक्टर के साथ भी की मारपिटाई, कई लोगों पर लगा आरोप। भोजपुर में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिस की गाड़ियों पर बरसाए ईंट पत्थर, कई पुलिसकर्मी घायल। बाराबंकी में खुलेआम बेची जा रही है कच्ची शराब, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। दिल्ली में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन, पीतमपुरा इलाके में 6500 शराब की बोतलें जब्त की गई, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चंदौली में रिहायशी इलाके में दिखा मगरमच्छ, इलाके में मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने मगरमच्छ पकड़कर बोरे में भरा। आगरा में हाईवे पर ओवरटेक करने में ट्रक और कैंटर हादसे का शिकार, ट्रक बेकाबू होकर पलटा, हॉस्पिटल में घुसा कैंटर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बड़ा हादसा, सहारनपुर हाईवे के पास कुछ वाहनों पर गिरी क्रेन, एक घायल। मुजफ्फरपुर में चोरी कर भाग रहे ट्रक चालक ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, एक हवलदार की मौत, दूसरा जवान गंभीर रूप से घायल, ट्रक चालक गिरफ्तार। इटावा में सड़क पार कर रही 2 महिलाओं को कार ने मारी टक्कर, दोनों बुजुर्ग महिलाओं की मौत हुई, कार चालक की तलाश जारी। कानपुर में ट्रक ने क्रेन में मारी टक्कर, ट्रक के नीचे आने से एक की मौत, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। सतना में प्रदर्शनकारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की ट्रक से भिड़ंत, एक बच्चे की मौत, 20 लोग घायल। औरंगाबाद में ट्रक और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर, एक महिला की मौत, 9 घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में फायरिंग हमले में 2 लोग घायल हुए। चीन के साथ सैन्य समझौते पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सफाई, सैन्य समझौते से किया इनकार। रूस के एक शहर में ड्रोन से हमला हुआ, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, जानमाल की हानि नहीं। रूस के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेनी पायलट ने बताई अत्याधुनिक फाइटर हेलीकॉप्टर्स की जरूरत, क्वालिटी की जगह क्वांटिटी को अहमियत दी। यूक्रेन के लुहांस में रूसी हमले में घायल हुए स्थानीय लोग, घायलों का किया जा रहा है इलाज। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को किया बर्खास्त, विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, कानून व्यवस्था में बदलाव को लेकर भी भड़का लोगों का गुस्सा। अमेरिका के वेस्ट रीडिंग में चॉकलेट फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 4 लोगों की हुई मौत, अभी भी 3 लोग लापता। स्पेन के जंगलों में आग लगने के बाद दिखा तबाही का मंजर, जंगल जलकर हुआ खाक, प्लेन और हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग पर पाया गया काबू। अमेरिका के मिसिसिपी में तूफान ने मचाई तबाही, घर मकान गाड़ियां तबाह हुई, 25 लोगों की जान भी गई।
इराक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में भरा पानी, लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। स्पेन में सूखे की मार, किसान कर रहे बारिश के लिए प्रार्थना, सूखे की वजह से झेलना पड़ रहा है नुकसान। वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले सीजन की विजेता बनी मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब पर किया कब्जा। दिल्ली ने मुंबई को जीत के लिए दिया था 132 रनों का टारगेट, मुंबई ने 3 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य। प्लेयर ऑफ द मैच बनी साइबर ब्रंट, 55 गेंदों में बनाए 60 रन। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने लगाया फहराया तिरंगा, वियतनाम की बॉक्सर को हराकर जीता गोल्ड। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए लवलीना ने भी लगाया गोल्डन पंच, भारत को दिलाया 4th गोल। बीसीसीआई ने जारी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, रविंद्र जडेजा को मिला A+ कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट। बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में केएल राहुल को झटका, राहुल को ए कैटेगरी से हटाकर बी कैटेगरी में भेजा गया। मशहूर मलयालम एक्टर और पूर्व लोकसभा सांसद इनोसेंट का निधन हुआ, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। फिल्म हंटर के प्रमोशन में बिजी सुनील शेट्टी डांस ग्रुप क्विक स्टाइल के साथ नजर आए।